संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना के अंतर्गत धर्म के स्वरूप पर चर्चा चल रही है और वो धर्म दो प्रकार का है, एक श्रावक धर्म और मुनि धर्म। सबसे पहले श्रावक धर्म की चर्चा अपन कर रहे हैं। श्रावक धर्म भी के दो भेद माने गए हैं, एक संयमी एक असंयमी, संयमी श्रावक और एक असंयमी श्रावक। यद्यपि सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया है, जिनके निश्चय धर्म प्रकट हो गया है, जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है, पहचाना है, उसमें अपनापन किया है, आत्मा की अनुभूत की है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को बोलते हैं असंयत सम्यक दृष्टि। और जिनके व्रत पालते हैं सम्यक दर्शन के साथ में, जिनके जीवन व्रतों का उदय हो जाता है, उन्हें बोलते हैं संयमी श्रावक। तो इस तरीके से जो असंयत सम्यक दृष्टि है, यद्यपि उनका नाम असंयत है, फिर भी उनका जीवन एकदम अनर्गल हो, उनके जीवन में किसी प्रकार की मर्यादा ही ना हो, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी संयुक्ताचरण नाम का संयम होता है, संयमाचरण नाम का संयम नहीं होता है। संयमाचरण नाम का जो संयम है वो वृत्त प्रतिज्ञा रूप होता है, और संयुक्ताचरण नाम का जो संयम है वो उनके जीवन में जो सहज आचरण होता है वो होता है, और जिसमें 22 अवक्षों का त्याग, मद्यमांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का भी स्थूल रूप से त्याग। स्थूल रूप का मतलब क्या कि जिसमें समझ लीजिए कि गवर्नमेंट से आपको जेल जाना पड़े, जिसमें जेल जाने की सजा हो, ऐसी हिंसा, ऐसा झूठ, ऐसी चोरी, ऐसा व्यभिचार और ऐसा परिग्रह का जोड़ना, ये पाप आते हैं 5। तो इनका त्याग उन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के जीवन में सहज भाव से होता है। जब ये बात कहते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो सम्यक दर्शन के पहले क्या इन चीजों की जरूरत नहीं है? है, क्यों नहीं है? जरूर है। इनके बिना सहज भाव से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका नहीं बनती है। फिर भी जैसे सहज भाव से अनिवार्य रूप से सम्यक दृष्टि के जो चीजें होती हैं, वैसे मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं होती। और अनिवार्य रूप से मान लें तो क्या होगा? तो अपने शास्त्रों में आता है ना, भगवान महावीर के पूरा भव में 10वें भव में वो शेर की पर्याय जो यहां चित्र लगा हुआ है, जब मुनिराजों ने उन्हें उपदेश दिया था, उस वक्त वो क्या मांस का सेवन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्यों? और उसी वक्त ऐसा कहा कि सुन करके और एकदम वो अंतर्मुखी दृष्टि में चला गया और सम्मा दर्शन लेके उठा और उन्होंने उनसे वृत्त भी ले लिया, आता कि नहीं आता? तो फिर उसका क्या होगा? ऐसे बहुत से उदाहरण अपने शास्त्रों में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो तत्व का अभ्यास है, स्वपर का भेद विज्ञान करना है, उसका राजमार्ग वो नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि मद्यमांस मधु का त्याग हो, अष्टमूलों का धारण हो, सामान्य रीति से हो, निरतिचार नहीं हो, लेकिन होना अवश्य चाहिए। क्यों? आप क्या समझते हैं कि हम शराबी कबाबी को भी आत्मा का अनुभव हो सकता है, कि वो आत्मा और पर का विवेक कर सकता है? अरे सराई कबाबी को बाप अपनी तिजोरी की चाबी नहीं सौंपता है, तो ये आत्मा की तिजोरी उसके कैसे खुलेगी? ये तो अत्यंत विवेक का काम है ना। इसलिए सम्यक दर्शन की पहले भी ये सब चीजें होती हैं,
लेकिन जैसी सहज भाव से सम्मदर्शन के बाद होती हैं, वैसी सहज भाव से नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक ध्यान करना पड़ता है और उनमें भी दोष लगते रहते हैं। असली धर्म तो सहज भाव का होता है। कहे बनारसी सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे बादी मरे ऐसी सांची कहबती है। जो हमारे जीवन का सहज आचरण हो, जिसे हमें प्रयत्न पूर्वक ध्यान न करना पड़े, बुद्धिपूर्वक ध्यान न करना पड़े, बल्कि सहज भाव से हमारे जीवन में आए, तो सम्मदृष्टि जीवों के जीवन में करुणा भाव सहज भाव से होता है। किसी जीवों के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं हो, कोई जीव उनसे सताए ना जाए, कम से कम बिना प्रयोजन तो किसी का घात उनसे होए ही नहीं, किसी जीवों का घात तो होए ही नहीं। जीवन में प्रमाणिकता हो, ऐसा झूठ उनके जीवन में होए ही नहीं जिससे कि उन्हें समाज का बहिष्कार सहना पड़े अथवा सरकार से दंड की प्राप्ति हो। तो इस तरह का जो आचरण है वो सम्यक्ता चरण कहते हैं हम उसे, और सम्यक दृष्टि जीव के सहज भाव से होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले भी पात्रता के रूप में होता है। वो ऐसी बात है, कैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर तो डॉक्टरों को जब सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर वो पूरी पढ़ाई करके और उसके बाद में एक साल का जो प्रैक्टिस करने के लिए उनको समय मिलता है, उसके बाद जो वो प्रैक्टिस करते हैं तब वो जो डॉक्टर कहलाते हैं वो बात अलग है, और उसके पहले जब वो पढ़ते हैं डॉक्टरी तब भी डॉक्टर कहलाते हैं, तब भी उन्हें डॉक्टरों जैसा ही आचरण करना पड़ता है, तब भी वो डॉक्टरों जैसा गले में डाल लेते हैं, वो कोट वैसा पहन लेते हैं, और वे आपस में एक दूसरे को डॉक्टर साहब बोलते भी हैं। ये विद्यार्थियों को खास समझने की चीज है। आपने देखा होगा कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पहले ही दूसरे साल में आए हैं, वे सब आपस में एक दूसरे को डॉक्टर साहब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल की शिक्षा लेने हॉस्पिटल में जाते हैं और उनका प्रोफेसर भी साथ में जाता है वार्ड में, और वो उनको सबको समझाता है और बाद में कहता है एक एक मरीज को आप देख के आओ और उसकी रिपोर्ट लिख के लाओ, मैं देखूंगा कि तुमने सही लिखी कि नहीं लिखी, उस मरीज को डॉक्टर ने भी देखा है। तो मरीज के पास जाता है, पूछता है आपको क्या तकलीफ है, कैसी तकलीफ हुई, कहाँ होता है, कहाँ दर्द होता है, कैसे हुआ, सब बातें पूछता है। लेकिन यदि मरीज को ये पता चल जाए कि ये तो अभी लड़का है सीख रहा है, तो वो कुछ बता ही नहीं, क्योंकि बेचारे को डिस्टर्बेंस तो होता है ना, वो कहे बैठो, जबान निकालो, उल्टे हो, सीधे हो, तो मरीज को तकलीफ है ना, तीन तीन डॉक्टर आकर के उसको बार बार ये पूछें, तो वो बता ही नहीं, तो वो ये पता नहीं चलने देते कि ये डॉक्टर है कि विद्यार्थी है, बिल्कुल वैसे ही अप टू डेट डॉक्टर जैसा बन के आता है। और मरीज को अंदर से बहुत गौरव होता है कि कितनी अच्छी सारवार है इस अस्पताल में, सुबह से 5 डॉक्टर मेरे को देख के गए, फिर उन्होंने वहाँ मीटिंग की और फिर तय किया कि मेरे को कौन सी दवाई देना चाहिए, तब मुझे दवाई दी, मेरे पर कितना ध्यान रखा जा रहा है जितना प्रधानमंत्री पर रखा जाता है, तो उसके मन में एक संतोष रहता है और पूरे हर मरीज उस विद्यार्थी को सहयोग करता है। और ये पता चल जाए कि इधर सीख रहा है तो कोई बात नहीं करे, इसके लिए उनको ये है कि बराबर उस डॉक्टरों की ड्रेस में रहें, एक दूसरे को डॉक्टर बोलें, यहां तक कि वो उनका प्रोफेसर भी उनको डॉक्टर साहब तुमने ये देखा क्या किया, वो सब बराबर ऐसा कहके व्यवहार करके बात करता है। लेकिन अभी डॉक्टर हुआ नहीं है वो, लेकिन ये व्यवहार भी जरूरी है ना, उसके बिना डॉक्टरी सीखी नहीं जा सकती है। तुम लोगों को भी ये सोचना चाहिए
एकदम शास्त्री हो जाएंगे, जब प्रवचन करने जाएंगे, जब पंडित बनेंगे, तब एक दूसरे को पंडित जी बोलेंगे। अभी से बोलो ना, कहीं आप प्रवचन करने गए हैं और उन्हें ये मालूम पड़ेगा तो सीखने वाला लड़का है, ये तो सीखने आया है, ये तो प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई तुम्हारे प्रवचन में बैठेगा? और जब ये समझेगा सचमुच ये विद्वान है और हमें समझा रहा है, तो गौरव के साथ तुम्हें सुनेगा और समझेगा। तो वो साथ ही तुम्हें प्रश्न भी करेंगे, तो पंडित जी साहब कह के करेंगे ना सम्मान के साथ। तो जैसा विवेक उनमें उतना विवेक हमें भी होना चाहिए, हर अध्ययन में ऐसा विवेक होना चाहिए। तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति के पहले जो अध्ययन किया जाता है आत्मा को समझने का, उसमें भी उसका सारा व्यवहार सम्यक दृष्टियों जैसा ही होना चाहिए। यद्यपि वो सम्यक दृष्टि का जैसा होता है वो सहज भाव से होता है, उनमें कोई दोष नहीं लगता है, और उसके नीचे जो होता है वो खींचतान के होगा और बीच बीच में दोष भी लगते रहेंगे, लेकिन होना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले भी होता है, और उस श्रावक का भी नाम शास्त्र में पाक्षिक श्रावक दिया है। ख्याल में है ना, इसे सिर्फ पक्ष लेता है जैन धर्म का, बस पाक्षिक माने जो सिर्फ पक्ष है, तो मैं जैन हूं बस। जैसे वो कहते हैं ना, मैं हिंदू हूं, गौरव के साथ कहो कि मैं हिंदू हूं, है ना, तो उसे इस बात का गौरव है कि मैं जैन हूं, हीनता के साथ वो बात नहीं करता है। आई एम ए जैन ऐसा जब कहता है तो उसका माथा गर्भ से उठ जाता है, उसका नाम पाक्षिक साधक और कुछ नहीं है बस। अभी और बात ख्याल में नहीं, लेकिन ये जो श्रावक जो चल रहे हैं, ये साधना में आ गए हैं, जो आत्मा की साधना कर रहे हैं साधक लोग हैं, तो सम्यक दृष्टि का वो सम्यक्ताचरण चारित्र होता है। अभी जो जो अंदर से कसाय जलती है, गलती है कम होती है, शास्त्र में उसे बोलते अप्रत्याखानावरण क्रोध मान माया लोक, जब वो जाती है तो संयम का अंश जगता है, तो पांचवा गुण स्थान होता है जिसमें अनुवृत होते हैं और जिन्हें 11 प्रतिमा के रूप में शास्त्रों में विभाजित किया गया है। ये प्रतिमा जो अपने मंदिरों में जिन भगवान की मूर्तियां विराजमान है, ये नहीं समझना। प्रतिमा माने श्रावक के 11 दर्जे, 11 स्टेजे, जैसे आपकी पढ़ाई में होते हैं ना, भाई हमको डॉक्टरी पास करना है, MBBS करना है, तो 5 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी आपके होते हैं ना, ऐसे ऐसे ही उसका जो कोर्स है, जो स्टेजेज हैं, उसे बोलते हैं प्रतिमा। प्रतिमा की परिभाषा पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ऐसी लिखी है, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो पड़िमाता को नाम। कि जहां संयम का अंश जग गया है, अंश तो पहले ही जग गया था, लेकिन कैसा जग गया है, कि उदय प्रतिज्ञा क्या हुआ, अब वो काम प्रतिज्ञा करके करता है कि मैं ऐसा करूंगा घोषणा पूर्वक। प्रतिज्ञा का उदय माने अंदर में दृढ़ संकल्प लेना तो प्रतिज्ञा है ही, लेकिन जगत के सामने घोषणा करना ये भी प्रतिज्ञा है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, उसे बोलते प्रतिमा। क्या मतलब है कि हम कोई चीज अंदर ही अंदर अपन पालन करते हैं, लेकिन जगत के सामने नहीं बताते हैं, एक घोषणा नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ कचास रहती है। लेकिन जब वो कचास निकल जाती है तो हम जगत के सामने उसकी घोषणा कर देते हैं, वो कचास निकल जाती है। बहुत से लोग आजकल इस रूप में कहने लग गए हैं कि भाई हमको व्रत पालना है, पाल लेंगे, कहने की क्या जरूरत है, घोषणा करने की क्या क्या जरूरत है, बोलते कि नहीं बोलते।
हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, कहने की क्या जरूरत है, प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर में ये है कि हम घोषणा कर देंगे ना, और फिर हमने कभी रात में खाते किसी ने देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए अपन किसी से कहो मत। तो ये जो अंदर कचास है, यदि इस डर के मारे वो नहीं कहता है तो निश्चित वो अपराध है, और यदि वो मान पोषण के लिए कहता है तो भी अपराध है, सबसे कहता फिरता है। लेकिन आगे चलकर कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जहां घोषणा अनिवार्य है, ऐसी क्या स्थितियां हो सकती हैं, हो सकती है कोमलचंद जी, कि यदि हमने ये घोषणा नहीं की कि हम ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेते हैं और हमारी उम्र इसके काबिल है, तो सैकड़ों प्रस्ताव हमारे पास रोजाना आएंगे, मुफ्त में हमें उनका फेस करना पड़ेगा, हमारे माँ बाप के पास आएंगे कि साहब तुम्हारे लड़के के साथ हमें दे दो कुंडली, हमारी लड़की का संबंध ले लेके आएंगे, क्यों, माँ बाप रोजाना अपन से कहेंगे, अपन को क्या कहेंगे, आपको कहना पड़ेगा ना कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, नहीं कहेंगे तो रोज ही नहीं फेस करते रहो उसे, अभी नहीं तो कब, क्यों, क्या बात है, फिर 50 तरह की बातें होंगी ना, तो आपको ये घोषणा करनी ही पड़ेगी। आपने परिग्रह का त्याग किया है और नग्न दिगंबर दशा धारण की, तो प्रतिज्ञा की घोषणा हो गई ना, छिपाओगे कैसे, क्यों, वो तो डंके की चोट हो गई ना। तो जब तक प्रतिज्ञा का उदय नहीं होता है तब तक वो प्रतिमा नहीं होती है, वो चौथा गुणस्थान कहलाता है, उसका नाम असंयम है। संयम नाम तो तब पड़ेगा जब प्रतिज्ञा का उदय होगा, क्योंकि हम इस संसार में हैं और संसार में हमारा दूसरे जीवों के साथ व्यवहार है, तो हम जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम इस पोजीशन पर हैं, तब तक संसार हमारा उससे हमारा कैसा व्यवहार करेगा, क्यों, उसका व्यवहार हमसे कैसे होगा, बोलिए, ऐसे समझे मैं कलेक्टर हूं और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कलेक्टर हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे कलेक्टर हूं, तो जगत तुमसे कैसा व्यवहार करेगा, फिर तुम पुलिस वालों को आज्ञा दोगे तो वो तुम्हारी आज्ञा सुनेगा, तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि मैं कलेक्टर हूं, तब वो तुम्हारी आज्ञा सुनेगा। यानी कई पोस्ट ऐसी है कि उसको बताए बिना आपका काम चलेगा नहीं, बल्कि यहां तक कि ये छापा मारने जाते हैं ना, तो पूछता है कि तुम उसके अधिकारी हो बताओ, तो प्रमाण पत्र बताना पड़ता ना, डॉक्टर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं, वो इलाज शुरू कर देगा, सर्टिफिकेट डिग्री सामने लगा के रखनी पड़ेगी, वकील को वकालत का सर्टिफिकेट नहीं बताना पड़ेगा, वो वकालत शुरू कर देगा, तो विद्वान को अपनी विद्वत्ता की सर्टिफिकेट सर्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी, तो मूर्ख जनता उसकी बात क्यों सुनेगी, ये अभिमान की बात नहीं है, क्योंकि हम अभी इस व्यवहार में खड़े हैं ना, तो दूसरे लोग हमसे किस हैसियत से व्यवहार करें, इसके लिए दूसरों को यह जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं, हम वृत्ति हैं, महावृत्ति हैं, अनुवृत्ति हैं, ये वृत्ति से जहां से प्रतिज्ञा का उदय होता वहां से बात शुरू होती है, सम्यक दृष्टि की शुरू नहीं होती, ये शास्त्रों में मैं सम्यक दृष्टि हूं इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, कि वो तो सबसे पहली स्टेज है, किसी भारतवासी को रोजाना ये घोषणा करना पड़ता कि मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी हूं, क्यों, कि सामान्य नागरिक को हर एक को बताना पड़ता है कि देखो मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं भारत का नागरिक हूं, क्यों, जरूरत है इसकी, वो नीचे की स्टेज वाले को घोषणा की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं वो आगे बढ़ा जो एक सम्मान का पद है जिसके लिए लोगों को उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, इसलिए तो हमारी ड्रेस है, ये पुलिस वाले की ड्रेस अलग है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि जगत उससे
ये समझ के बात कर रहे कि इसको ये अधिकार है कि हस्तक्षेप कर सकता है, ये पूछ सकता है, यदि शक हो जाए ऐसे कि हमने चोरी की है तो हमसे ये तपास कर सकता है। जैसे पुलिस वाले को देश में रहना जरूरी है ना, ऐसे वृत्तियों को भी कुछ ना कुछ देश में रहना जरूरी है। और वो ड्रेस शास्त्रों में बताई है कि जहां से घोषणा करने की जरूरत है ड्रेस रूप में, तो वो सिर्फ दिगंबर धर्म में तीन ड्रेस हैं, एक मुनियों की नग्न दिगंबर दशा, एक आरिकाओं की एक सफेद साड़ी और एक छुल्लक ऐलक की ड्रेस, जिसे हम बोलते हैं कि ऐलक की सिर्फ एक लंगोटी और छुल्लक की एक लंगोटी और खंड वस्त्र। खंड वस्त्र माने ऐसा चद्दर कि जब वो ओढ़े तो सिर ढके तो पैर न ढके और पैर ढके तो सिर न ढके, उसको बोलते खंड वस्त्र, क्योंकि वो तन की लाज रखने के लिए है, सर्दी से बचाने के लिए नहीं है, मच्छरों से बचाने के लिए नहीं है। लंबा होगा सिर ढक जाएगा, पैर ढक जाएगा, समझे ना आप, वो इतना छोटा होना चाहिए। सीधी सच्ची बात है, तुम 5.5 फुट के हो तो वो 5 फुट का हो, ऐसा नहीं 25 फुट का हो उसे 4 घड़ी करके और आराम से सर्दियों में लपेट के बैठ गए। ये तीन ड्रेस जैन धर्म में दिगंबर धर्म में नक्की हैं और उसके बाद कोई ड्रेस नक्की नहीं है। तो ड्रेस से घोषणा तो छुल्लक के पहले कोई करने की जरूरत नहीं है कि हमें ड्रेस से ही दुनिया पहचान ले, क्यों इन तीन के लिए जगत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्मान देता है, इन्हें पड़गा करके भोजन कराता है, उनके चरणों में लौटता है, नवदा भक्ति उनकी की जाती है, इसलिए ड्रेस जे अनिवार्य हो गई। लेकिन इसके नीचे कोई ड्रेस नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि कहा कि जिसको पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना है उसे घोषणा तो करना पड़ेगी ना, अन्यथा वो ऑफर आना बंद नहीं होंगे ना, ख्याल में है ना, और उसे उसी सादगी से रहना पड़ेगा ना। आप श्रृंगार करके रहेंगे तो ये श्रृंगार इस बात का द्योतक है कि सामने वाले को आप ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो मुझे ऑफर दे सकते हो, ये घोषणा है, श्रृंगार इस बात की घोषणा है। आप दुकान खोल के बैठे हो, इसका अर्थ यह है कि कोई भी ग्राहक आकर तुमसे वो मांग सकता है, समझ रहे ना आपकी मैं। आप यदि डॉक्टर की ड्रेस पहन के बैठे हो तो कोई भी मरीज आकर के आपसे अपने इलाज की बात कर सकता है। आप अकेले बकाला वकील की ड्रेस पहन के बैठे हो, ऑफिस खोल के बैठे हो, तो कोई भी आदमी आपको कानूनी सलाह आपसे मांग सकता है, क्यों? और आप चाहते हो कि कोई आगे हमसे ऐसा ऑफर नहीं करे, तो आपको ये जरूरी है कि आप इस बात की घोषणा करें। तो ड्रेस तो नक्की नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा श्रृंगार से रहित जीवन है ये इस बात की घोषणा है, क्यों? अब बाल घुटा के रखेंगे, एक सादा जीवन रखेंगे, तो कोई लड़की आकर आपको ऑफर करने वाली नहीं है, और लड़की का माँ बाप भी आकर ऑफर करने वाले नहीं है, समझे शांति सागर। ऐसा विचार हो तो ऐसे रहना, नहीं हो तो बढ़ा लेना बार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वस्तु की स्थिति है, ये बता रहा हूं मैं। जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, उसके आचरण में भी बहुत वैज्ञानिकता है। और इस बात का मैं आपको प्रूफ देता हूं कि अमेरिका में एक बहन थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, फिर भी वो वैसे ही कपड़े पहनती थी जैसे वो पहले पहनती थी। तो अपने देश में तो सब कुछ बदल जाता है ना मामला, विधवाएं कैसी रहती हैं, अलग तरीके से रहती हैं, तो उस वक्त लोग कुछ उंगलियां भी उठाते उस पर। तो उस बहन ने मेरे को खुद कहा, नाम भी बता सकता हूं मैं लेकिन क्या फायदा है, कि डॉक्टर साहब वो बीमा की एजेंट थी, वो काम करती थी, जब अपने उसका पति मौजूद थे तब भी करती थी, तो बोले मेरे को तो हर जगह हर एक से संपर्क करना पड़ता है, लेकिन यदि वो मैं ड्रेस बदलती हूं
तो सब लोग पूछते क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, फिर हर एक को जवाब दो कि भाई हमारे पति का स्वर्गवास हो गया और हमारे देश में ऐसा है। तो सवाल इसका नहीं है कि इतनी जवाब देना कोई समस्या है, समस्या ये है कि वो अमेरिका के लोग ये समझ जाते हैं कि एक खाली है, खाली है माने एंगेज नहीं है, एंगेज नहीं है माने इसका पति नहीं है अथवा इसकी पत्नी नहीं है। यदि इस बात का दुनिया को मालूम पड़े तो सैकड़ों लोग ऑफर ले लेके आते हैं, वहां तो खुद ही सब करते हैं, मां बाप तो करते नहीं है क्या? तो वो जो अपने देश में वो ड्रेस हम पहने तो कोई ऑफर नहीं लाएगा, और वहां ये पता चले कि ये अकेला है, इसकी पत्नी नहीं है कि इसका पति नहीं है, तो वहां ये ब्रह्मचर्य की ऐसा कोई कुछ है नहीं कंसेप्ट ज्यादा लोगों के ख्याल में, तो वो समझते हैं कि एक खाली है तो इसको ऑफर करो, और वहां ऑफर करना कोई अपराध नहीं है, आप रिजेक्ट कर दो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसने मेरे से ऐसा क्यों पूछा, कोई भी किसी से भी ये बात ऑफर कर सकता है, क्या अपनी शादी का प्रस्ताव लड़की लड़के से कर सकती है, लड़का लड़की से कर सकता है, बस आप मना कर दो। मान लो आप शादीशुदा हो तो कह दो कि मेरी तो शादी है, खत्म हो जाएगी एक मिनट में वो चली जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मेरे से ऐसा क्यों कहा, लेकिन अपने देश में ऐसा है। तो वो बोली कि इसलिए मैं वो ही ड्रेस पहनती हूं कि जिससे लोगों को ये मालूम नहीं पड़े कि मैं खाली हूं। बोली क्या, तो कहने का मतलब है कितना असर है इस बात का, इस ड्रेस का। तो ये जो जैन दर्शन में ये मर्यादाएं बताई हैं हमारे जीवन की, उसके पीछे वैज्ञानिकता है। ऐसे ग्रस्त धर्म की बहुत सी बातें हैं जिसकी चर्चा मुझे आपसे करनी है, शेष कल के व्याख्यान में करूंगा। ओम शांति शांति शांति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा दीप्त।